चिकनगुनिया फीवर होम्योपैथिक मेडिसिन से जल्दी कैसे रिकवर हो जाता है अगर इसको कंपेयर करें दूसरे तरीका इलाज से। इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राकेश गामस्तवा। पिछले 15-20 दिनों से मैंने बहुत ज्यादा चिकनगुनिया के केसेस देखे, इवन के दिन में 10 से 12 केसेस भी देखे। उसकी वजह यह है कि वो रिकवर नहीं हो पाते। अगर फीवर उनका कम भी हो रहा है तो फिर भी उनको पेन तो कहीं ना कहीं जरूर रह रहा है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि एलोपैथिक में जब भी कोई मेडिकेशन दी जाती है तो डिजीज को मैनेज करने के लिए दी जाती है, यानी कि उसको ठीक नहीं क्योर नहीं किया जाता। अब ये ब्रेक बोन फीवर है, इसकी वजह मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपने ट्रीटमेंट वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वाली वीडियो मेरे इसी चैनल पर मौजूद है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक 3 से 4 दिनों में कैसे आपको रिकवर करवाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिकली नेचुरल मेडिसिन होती है जो आपकी डिजीज को धीरे धीरे कम करती है और फिर कम करते करते खत्म करती है, यानी कि उसको दबाती नहीं आपके जिस्म के अंदर। यही वजह है कि वो आस्ता आस्ता आपके दर्द कम होते हैं। लाइक अगर आपने अभी मेडिसिन लेना स्टार्ट किया तो आपकी पोजिशन अगर 100% पर है तो एक डोज के बाद 95 पे होगी, 90 पे होगी, 85, 80, 75, 70, 65, 60, इस तरह कम होते होते 3 से 4 दिनों में आपके दर्द मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाएगी। तो यही वजह है कि होम्योपैथिक ज्यादा सुपीरियर है किसी भी डिजीज को। ये जो लोगों के जहनों में मिथ होता है कि होम्योपैथिक स्लो वर्क करती है, नाउ इट इज यू कैन सी कि होम्योपैथिक जल्दी चिकनगुनिया को रिकवर करी है। जबकि मेरे पास कल एक ऐसा भी केस आया जिसको 4 महीने हो गए थे एलोपैथिक खाते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दर्द नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया कि एलोपैथिक इज अ मैनेजमेंट विच इज ऑल्सो गुड इन पैलिएटिव कंडीशंस, यानी कि जब आपको बक्का को बक्ती फाके की जरूरत होती है तो एलोपैथिक से बेस्ट कोई भी तरीका इलाज नहीं। लेकिन अगर आप किसी डिजीज को क्योर करने चाहते हैं तो फिर होम्योपैथिक से बेस्ट ऑप्शन आपके पास कोई भी नहीं होता। अगर आप अपना केस मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह।